बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने जब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का प्रैक्टिकल काम शुरू किया था तो उसके अंदर हम लोगों ने SSH से बात शुरू की थी। उसको थोड़ा सा एक नज़र दोबारा देख लेते हैं कि व्हाट वी डिड वाज वी हैड अ क्लाइंट एंड सर्वर, और उसके दरमियान में हम लोगों ने ये बात की थी कि क्लाइंट जो है सर्वर को एक मैसेज भेजता है, तो सर्वर उसको कहता है सबसे पहले तो ये काम करो कि मेरी पब्लिक की पकड़ो और उसके बाद बात करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर इन दोनों के दरमियान में एक प्रोटोकॉल चला था जो कि कम्युनिकेशन होती है, जिसके अंदर ये अपनी पब्लिक प्राइवेट कीज़ के ज़रिए से कम्युनिकेशन कर रहे थे। और मकसद ये था कि हम लोगों ने एक सिक्योर टनल एस्टैब्लिश की थी क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में। द आइडिया वॉज कि क्लाइंट को पता हो कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ इस सर्वर को ही पता चल सकती है, कोई और मेरे मैसेजेस को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता अगर मैं कोई सेंसिटिव डाटा वगैरह भेज रहा हूँ तो, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा रिविजिट करना चाहते हैं। हम ये करेंगे कि हमारे पास क्लाइंट जो है दैट इज गोइंग टू बी आर ब्राउजर, ठीक है। अब हम SSH की जगह पर जो वेब की रिक्वेस्ट होती है उसकी बात कर रहे हैं। सो ब्राउजर है और सर्वर यहाँ पर आपके पास होगा मिसाल के तौर पर gmail.com, ठीक है जी। gmail.com को आपने एक रिक्वेस्ट भेजी है और आप ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि हमारे दरमियान में जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर हो। मकसद अगेन क्या है, अगर आपकी ईमेल वगैरह आ रही हैं, आप ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो दोस्त शुड बी सिक्योर, दरमियान में कोई बंदा उनको इंटरसेप्ट ना कर सके। सो द वे वी आर गोइंग टू डू दिस इज वी आर गोइंग टू हैव अ सर्वर विच इज़ gmail.com। उसका अपना कोई IP एड्रेस होगा जो कि मैंने सर्च करके लिख दिया यहाँ पे, जिसको हम रिट्रीव करते हैं NSLOOKUP के जरिए से, ठीक हो गया जी। अब मसला यह है कि आपने यहाँ पे बैठ के, या आपकी मशीन थी, आपने NSLOOKUP से पूछा कि मुझे gmail.com का IP एड्रेस दे दो। हाउ कैन यू ट्रस्ट कि ये IP एड्रेस gmail.com का ही है? क्या पता दरमियान में किसी बंदे ने इंटरसेप्ट करके आपकी ये बात कि gmail.com का IP एड्रेस मुझे दो, दरमियान में किसी थर्ड पार्टी ने इंटरसेप्ट करके अपना IP एड्रेस आपके हवाले कर दिया, ठीक है। आप कहेंगे जी पब्लिक की कल को होगी, तो पब्लिक की भी तो इसी तरीके से कि जब आपने कल को gmail.com को रिक्वेस्ट भेजी, उसने कहा ये लो मेरी पब्लिक की। सो हाउ डू यू नो, हाउ डू यू वेरीफाई कि ये PS जो आपको मिली है यहाँ पे, ठीक है, PS फॉर सर्वर और PB फॉर ब्राउजर, ठीक है जी। ब्राउजर और सर्वर B और S को हम इस्तेमाल करेंगे। हाउ डू यू वेरीफाई दैट PS इज इंडीड द पब्लिक की ऑफ gmail.com? ये आप कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। दैट इज आर प्रॉब्लम, जिसको आज के लेक्चर में हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से होगा। अगेन दिस इज नॉट थ्योरी, इसको हमें अगले काम के लिए हमें चाहिए ये, ठीक है। इस वजह से मैं पहले कवर पे इसको अलग से कर रहा हूँ ताकि हम वहाँ पे इसकी डिस्कशन ज़्यादा तफसील में ना करें, ये यहीं पे साइड पे कवर हो जाए, ठीक है जी। सो हाउ कैन यू डू दिस, मे बी जस्ट आस्क कि भाई तुम gmail.com ही हो कि नहीं हो, बट इफ़ देर इज़ एन एडवर्सरी जो कि वहाँ पे दरमियान में बैठा हुआ है और आपकी हर बात का जवाब दे रहा है, तो वो तो कहेगा हाँ जी मैं gmail.com ही हूँ। आप उसको कहेंगे भाई तुम्हारा IP एड्रेस क्या है मुझे बताओ, वो कहेगा ये मेरा IP एड्रेस है। तो वो हर किस्म का झूठ, चाहे जो बात भी आप उससे पूछेंगे, वो आपको मिसकम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है जी। अगर वो कह रहा है कि PS जो है मेरी पब्लिक की है, आपको क्या पता है कि दरमियान में कोई थर्ड पार्टी बैठी हुई है, वो आपको कह रहा है, जीमेल के साथ आप सिरे से बात ही नहीं कर रहे, दरमियान में आपके सारे मैसेजेस इंटरसेप्ट होकर जो भी आप उससे वेरिफिकेशन मांगते हैं वो आपको करके दे रहा है, ठीक हो गया जी। तो इस मसले को हम हल करना चाहते हैं। यू कैन नॉट आस्क बिकॉज इट कैन लाई अबाउट एनीथिंग, ठीक है। आप उसको कहेंगे तुम gmail.com को, कहेगा जी। आप उसको कहेंगे तुम्हारा IP एड्रेस क्या है, वो यही IP एड्रेस आपको वापस दे देगा, ठीक है जी। सो हाउ डू वी गो अबाउट डूइंग दिस? सो द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू आस्क इज डू यू ट्रस्ट समवन, यू डोंट ट्रस्ट gmail.com, ठीक है। अब ये बात है gmail.com झूठा है, हमें नहीं पता, इसको अपने आप को साबित करेगा फिर हम मानेंगे, वरना हम नहीं मानते। बट डू यू ट्रस्ट समवन? एंड द आंसर इज दैट इन ऑर्डर टू वर्क यू हैव टू ट्रस्ट समवन, ठीक है जी। किसी ना किसी पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, एंड दैट समवन इज गोइंग टू बी इन आर केस अ कंपनी दैट वी आर गोइंग टू कॉल वेरीसाइन, ठीक है जी। इट्स अ रियल कंपनी, हम इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। जो भी ब्राउजर है, लेट्स से फायरफॉक्स है या क्रोम है आपका, वो कहता है जी मैं वेरीसाइन के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है। वेरीसाइन पे क्यों ट्रस्ट करते हैं जब gmail.com पे नहीं करते, वेरीसाइन पे क्यों करते हैं, ये बात इसके ऊपर तफसील से थोड़ा सा बाद में आएंगे। लेकिन द आइडिया इज दैट वी हैव टू ट्रस्ट समवन, आई डोंट वांट टू ट्रस्ट gmail.com, क्योंकि कल को मैंने yahoo.com पे भी जाना है, hotmail.com पे भी जाना है, nu.edu पे भी जाना है, तो इन वेबसाइट्स के ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं करता। वेरीसाइन इज अ कंपनी दैट इज बिल्ट फॉर दिस पर्पस, फॉर बींग ट्रस्टेड, ठीक है जी। तो इसलिए मैं उस एक साइट के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ बस, ठीक है। और ट्रस्ट करने से क्या मुराद है कि मेरा ब्राउजर जब बनाया गया था तो उस वक्त इस वेरीसाइन की जो पब्लिक की थी ये ब्राउजर के अंदर बिल्ट इन मेरे पास आई है, ठीक है जी। ये मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वेरीसाइन की पब्लिक की, इसको हम PC कह रहे हैं, सी क्यों कह रहे हैं थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन वेरीसाइन की जो पब्लिक की है वो ब्राउजर के अंदर बिल्ट इन है, ब्राउजर अपने साथ लेके आया है, ठीक है जी। लिहाजा इसको हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि किसी ने इसको छेड़ दिया हो, वो एक बात की बात है, लेकिन ये ब्राउजर के अंदर बिल्ट इन है, विच मीन्स कि ब्राउजर ट्रस्ट दिस पब्लिक की, एटलीस्ट ये एक पब्लिक की है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं, बस दैट्स इट। अब बाकी इस ट्रस्ट हमने एस्टैब्लिश करना है इस एक पब्लिक की के जरिए, ठीक हो गया। सो दैट्स आर प्रॉब्लम, दैट इज आर सिचुएशन। करेंगे किस तरीके से, व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू जीमेल,
यू आर गोइंग टू टेल जीमेल के जीमेल भाईजान आप मुझे कह तो रहे हैं कि ये आपका पब्लिक की है बट आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट यू, यू गो टू वेरीसाइन और उसको कहो कि गिव मी अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी, आप वेरीसाइन से ये दस्तखत करवा के लेके आओ कि ये आपकी पब्लिक की है, जो आप कह रहे हैं ना कि मेरी पब्लिक की, आपकी बात मैं नहीं मानता, वेरीसाइन से कहो कि आपके लिए लिख कर दे के ये आपकी पब्लिक की है, ठीक हो गया जी, चले जी वो कहना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ये कहलाएगी आपके पास सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, वेरीसाइन जो है दैट इज़ ए सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी है जो कि लोगों को सर्टिफिकेट इशू करती है कि हाँ ये तुम्हारी पब्लिक की है, ये तुम्हारी पब्लिक की है, ये तुम्हारी पब्लिक की है, वेरीसाइन इज़ अ सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जिसको कहते हैं सी ए, ठीक है जी, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, और इस वजह से यहाँ पे मैंने ये सी लगाया हुआ है, ठीक है जी। सो दिस इज़ द पब्लिक की ऑफ आर सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, यहाँ तक सही हो गया, हम जीमेल पे ट्रस्ट नहीं करते थे, वेरीसाइन पे ट्रस्ट करते थे, हमारे ब्राउजर ने जीमेल को कहा जाओ वेरीसाइन से लिखवा के लेके आओ तुम्हारी ये पब्लिक की है, ठीक है। जीमेल वाले क्या करेंगे, जीमेल वाले शुरू में उन्होंने जब अपनी पब्लिक की बनाई तो वो वेरीसाइन के पास गए, ठीक है, उन्होंने वेरीसाइन को पेमेंट की, वेरीसाइन ने बाकायदा वेरीफाई किया कि हाँ जी जीमेल डॉट कॉम वाले ही ये लोग हैं, उनके लीगल रिकॉर्ड्स वगैरह देखे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर बैठ के देखा कि भाई ये जीमेल डॉट कॉम वाला ही बंदा है, उसके पास डॉक्यूमेंटेशन है वगैरह वगैरह, सारी वेरीफिकेशन करके आखिर में उन्होंने उसको एक सर्टिफिकेट इशू किया जिसके अंदर लिखा हुआ था कि जीमेल डॉट कॉम हैज़ पी एस, ठीक है जी, पी एस जो कि जीमेल यहाँ पे कह रहा था ना कि ये पकड़ो मेरी पब्लिक की, ठीक है, ये पी एस जो है, तो वेरीसाइन ने एक सर्टिफिकेट क्रिएट किया, एक सिग्नेचर क्रिएट किया जिसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि जीमेल डॉट कॉम हैज़ पी एस और जीमेल डॉट कॉम इस आई पी एड्रेस के ऊपर लिसन करता है, ठीक है, इस पूरी बात को इस वेरीफिकेशन अथॉरिटी ने सिग्नेचर कर दिया, ठीक है, कैसे किया, अपनी प्राइवेट की से, सिग्नेचर याद होगा थोड़ा बहुत, दोबारा बता देता हूँ, उसकी प्राइवेट की से सिग्नेचर हुआ हुआ है तो अगर उसकी पब्लिक की से कोई चीज़ खुलेगी तो हमें यह वेरीफिकेशन होगी कि वेरीसाइन ने ही कहा है, किसी और ने नहीं कहा, ठीक है, तो इस चीज़ को कहा जाता है डिजिटल सर्टिफिकेट, सही है। ये बात जो है कि जीमेल डॉट कॉम हैज़ दिस पब्लिक की ऑन दिस आई पी एड्रेस, इसके ऊपर हम लोगों ने एक सिग्नेचर कर दिया हमारी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने, इसको कहा जाएगा कि दिस इज़ ए डिजिटल सर्टिफिकेट, वाई बिकॉज इट्स अ सर्टिफिकेट, ये एक बात को सर्टिफाई कर रहा है और इट्स डिजिटल क्योंकि ये डिजिटल इंक्रिप्शन वगैरह के जरिए से हम लोगों ने काम किया, ठीक है। सो वी हैव दिस डिजिटल सर्टिफिकेट और इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, हम कहेंगे कि दिस इज अ सर्टिफिकेट फॉर जीमेल डॉट कॉम, ठीक है, इसको मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ क्योंकि इतनी बड़ी कहानी मैं दोबारा लिख नहीं सकता, लेकिन ये आपने याद रखना है कि सर्टिफिकेट ऑफ जीमेल जो है वो ये चीज़ है कि जीमेल डॉट कॉम हैज़ दिस पब्लिक की ऑन दिस आई पी एड्रेस, ठीक हो गया जी। ये सर्टिफिकेट जब एक दफ़ा इशू हो गया तो ये आपका जीमेल जो है वो आपके ब्राउज़र को ये भेज देगा, ठीक है जी, अब ब्राउज़र इसके साथ कोई काम करेगा, अब ब्राउज़र ये करेगा, ठीक है, इसको देख लें, ब्राउज़र ये करेगा कि इस सर्टिफिकेट को लेगा, इस सर्टिफिकेट के अंदर जो सारी बात लिखी हुई है और पब्लिक की ऑफ सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ब्राउज़र के पास पहले से है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस पूरे के पूरे सर्टिफिकेट के ऊपर इस पब्लिक की को जब वो अप्लाई करेगा तो उससे क्या चीज़ बाहर निकलेगी, उससे चीज़ ये बाहर निकलेगी कि जीमेल हैज़ पी एस ऑन दिस आई पी एड्रेस, तो अब आपके ब्राउज़र को ये वेरीफिकेशन हो गई है, ठीक है, आपके ब्राउज़र को ये वेरीफिकेशन हो गई कि ये पब्लिक की जीमेल की ही है और उसका आई पी एड्रेस ये ही है, तो हमारा जो ओरिजिनल मसला था वो मसला ख़त्म हो गया, ठीक है। सो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, यू डोंट ट्रस्ट जीमेल बट यू डू ट्रस्ट वेरीसाइन, वेरीसाइन को आप क्यों ट्रस्ट करते हैं, हम किस तरह कह रहे हैं कि ट्रस्ट करते हैं, हम इसे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि जब ब्राउज़र बनाया गया था तो उसको वो पब्लिक की पहले से पता थी, ठीक है, वो ब्राउज़र बनाने वालों को ही पता था, सही हो गया। जीमेल को आप कहते हैं कि जाओ मुझे सर्टिफिकेट ला के दो, वो सर्टिफिकेट वेरीसाइन से साइन करवा के लाता है और हम कैसे वेरीफाई करेंगे, हम इस इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाएंगे क्योंकि पब्लिक की हमारे पास है, सिग्नेचर के ऊपर प्राइवेट की उसकी थी, हमें वेरीफाई हो गया कि ये बात वेरीसाइन ने ही कही है और अगर वेरीसाइन ने ये बात कही है तो हमें वेरीसाइन के ऊपर ट्रस्ट है कि वेरीसाइन सही बात करता है, ठीक हो गया जी। सो एसेंशियली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ रियल वर्ल्ड ट्रस्ट इन्वॉल्व कि वेरीसाइन के ऊपर ट्रस्ट है, लेकिन वंस यू हैव दैट तो उसके बाद फिर आपके पास ये वाला मसला खत्म हो गया, नाउ यू हैव अश्योरेंस कि ये पब्लिक की जीमेल डॉट कॉम ही की है। तो दरमियान में आप देखें, आपने जो बात की थी ना कि ये वाली की जो है, अगर कोई बंदा दरमियान में आता है और वो आपको कहता है कि भाई ये पी एस जो है ये मेरी की है, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ये वाकईतन जीमेल डॉट कॉम की पब्लिक की है या इस बंदे ने अपनी फेक बनाई है, अगर फेक बनाई है तो सर्टिफिकेट में लिखी हुई नहीं होगी, अगर जीमेल डॉट कॉम की है और वो आपको दे रहा है तो वो देता रहे ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपको कौन ये पब्लिक की दे रहा है, इसकी प्राइवेट की सिर्फ जीमेल डॉट कॉम के पास है, तो अगर आप कुछ इनक्रिप्ट करेंगे तो ये जो दरमियान का बंदा है ये आपको अगर डाटा इंटरसेप्ट कर भी लेगा तो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगा क्योंकि इसको इनक्रिप्ट करने के लिए जो की चाहिए वो जीमेल डॉट कॉम की, ठीक है, इसको तामुल से थोड़ी देर के लिए देखें, ठीक हो गया जी। सो एज इज ऑलवेज द केस, ये काम इतने आराम से ठीक नहीं होगा, इसके अंदर थोड़ा सा मसला अभी भी है, वो मसला क्या है
कि पहले तो वेरीसाइन सारी दुनिया को नहीं वेरीफाई कर सकता, ठीक है। प्लस वेरीसाइन इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव क्योंकि दे हैव टू डू ऑल दोज लीगल थिंग्स। तो इफ यू वॉन्ट टू गेट वेरीफाइड फ्रॉम वेरीसाइन यू हैव टू पे दम क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं फॉर वेरीसाइन टू गिव यू अ सर्टिफिकेट। प्लस द प्रॉब्लम इज दैट वी कैन ओनली ट्रस्ट वेरीसाइन, ठीक है। मैं और किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो अब सारी दुनिया जो है वो वेरीसाइन के पास जा नहीं सकती और मैं कहता हूँ नहीं वेरीसाइन से सर्टिफिकेट लेके आओ, ठीक है। तो ये बात तो हो नहीं सकती। अब हम इसको किस तरीके से हल करेंगे, उसके लिए हमें दरमियान का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। सो हियर इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। देखिए, वी हैव अ न्यू कंपनी, इट्स कॉल्ड माय सर्ट, ठीक है। यहाँ शैमी सी हमने कोई कंपनी बनाई है, इसको हम कहेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे एम से। तो इसकी अपनी पब्लिक की है पी ऑफ एम, इसकी अपनी प्राइवेट की है एच ऑफ एम, ठीक है, जिसको हम हिडन की के जरिए से ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास हमारी NU की वेबसाइट है, सो लेट्स से दिस इज NU.edu.pk, ठीक है जी। तो हम इसको कहेंगे कि ये N है, ठीक है। तो इसकी की होगी P of N और H of N, ठीक हो गया। P of N, H of N, H of M, P of N, H of M, ठीक है। ये हम लोगों ने अपनी दो पार्टीज और बना ली। अब हम क्या करना चाहते हैं कि न्यूसेस वाले जो हैं, NU वाले जो हैं, ये जाएंगे माय सर्ट के पास और उसको कहेंगे कि आप हमें एक सर्टिफिकेट इशू कर दें। वेरीसाइन से तो हम नहीं ले सकते, आप हमें एक सर्टिफिकेट दे दें, ठीक है जी। वो कहेगा ठीक है जी, मैं आपको सर्टिफिकेट दे देता हूँ। वो क्या लिखेगा, कोई बात लिखेगा कि NU.com, NU.edu.pk has P of N, वो पब्लिक की ऑन दिस आईपी एड्रेस, और इसको वो साइन कर देगा। जहरी बात है, उसके पास तो सिर्फ अपनी की है, तो वो उसको अपनी की से साइन कर देगा। वेरीसाइन की तो इसके पास नहीं है कि वेरीसाइन की से साइन करे, ये उसको साइन कर देगा, ठीक हो गया जी। तो इसको हम क्या कहेंगे कि दिस इज अ सर्टिफिकेट फॉर न्यूसेस। लेकिन फर्क क्या है कि ये वेरीसाइन ने नहीं साइन किया हुआ, ये माय सर्ट ने साइन किया हुआ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसको हम लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, ब्राउजर क्या करने की कोशिश करेगा, पी ऑफ एम से ओपन करने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। पी ऑफ एम से अगर इसको ओपन करेगा तो उससे क्या बन जाएगा कि पी ऑफ एम ओपन करने से ये बात तो बन जाएगी कि NU.edu.pk का ये पी ऑफ एन है और इस आईपी एड्रेस पे है। लेकिन मसला ये कि मैं पी ऑफ एम के ऊपर तो ट्रस्ट करता ही नहीं हूँ। आप मुझे पी ऑफ एम अगर दे भी देंगे तो मैं वहीं पे हूँ कि मैं कहता हूँ भाई पी ऑफ एम कौन है, मैं नहीं जानता इसको, ठीक है। मैं सिर्फ वेरीसाइन को जानता हूँ बस, और मैं किसी को नहीं जानता। सो हाउ डू यू गो अबाउट डूइंग दिस, हाउ डू यू वेरीफाई कि पी ऑफ एम जो है वो कौन है। आई एम गोइंग टू वेरीफाई दिस यूजिंग द सेम वे जिस तरीके से मैंने पी ऑफ एस को वेरीफाई किया था, जो कि जी मेल की पब्लिक की थी। उसको मैंने कैसे वेरीफाई किया था, मैंने जी मेल को कहा था कि जाओ अपनी पब्लिक की वेरीफिकेशन मुझे कहाँ से करवा के ला के दो, वेरीसाइन से। इसी तरीके से अब मैं इस ये जो माई सर्ट है NU.edu.pk, तो माई सर्ट के ऊपर डाल के बाद साइड पे होगी। अब माई सर्ट को हम कहेंगे इधर आओ तुम अपनी ये पी ऑफ एम जो है इसका मुझे सबूत दो कि ये तुम्हारी ही है। इसका सबूत किसे लेके आओ, तुम जाओ वेरीसाइन से लेके आओ। बात तो वहीं आ गया, कहेंगे फटा बनाने की जरूरत क्या थी, थोड़ी देर में बताता हूँ कि फटा बनाने की क्या जरूरत थी। ये जो माई सर्ट कंपनी है ये कह रही है कि हम आपको चीप अंदाज में सर्टिफिकेट साइन करके देंगे, ठीक है। लेकिन हम आपको सर्टिफिकेट जो साइन करके देंगे वो ब्राउजर डायरेक्ट नहीं वेरीफाई कर सकता, मैं अपनी पब्लिक की को वेरीसाइन से साइन करवाऊंगा, ठीक है। मैं इसको बनाता हूँ थोड़ा सा, तो दोबारा देखें। आपके पास माई सर्ट कहाँ जाएगा, वेरीसाइन के पास जाएगा। वो जाके वेरीसाइन से कहेगा कि भाई ये मेरी पब्लिक की है, इसको आप वेरीफाई करने सिग्नेचर दे दें। अब वेरीसाइन जो है माई सर्ट से पैसे लेगा। फर्क क्या हुआ, हमने माई सर्ट को थोड़े पैसे दिए, वेरीसाइन माई सर्ट से बहुत सारे पैसे लेगा, ठीक हो गया। वो बहुत सारे पैसे लेके उनसे वो कर देगा। अब ये माई सर्ट जो है ये मुझे भी अपने सर्टिफिकेट भेजेगा और आगे 10 और लोगों को भी अपने सर्टिफिकेट भेजेगा। तो ये अपने पैसे इस तरह पूरे करेगा, ठीक है। लेट से वेरीसाइन ने इससे लिए $1,000, ये मुझसे ले रहा है $10, तो ये आगे 100 और लोगों को भी साइन करके देगा, तो इसके $1,000 पूरे हो जाएंगे। बाकी जितना वो करेगा इसके वो प्रॉफिट होगा, ठीक है। दोबारा देखें, मुझे NU.edu.pk को साइन करके दिया माई सर्ट ने, माई सर्ट की पब्लिक की को कोई नहीं जानता, तो उसकी पब्लिक की के लिए सर्टिफिकेट माई सर्ट ने जाके वेरीसाइन से ले लिया, ठीक है जी। तो अब माई सर्ट के पास सर्टिफिकेट है वेरीसाइन का और ये आगे औरों को अपनी तरफ से सर्टिफिकेट इशू करके दे रही है, ठीक है जी। सो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि दिस इज अ डिजिटल सर्टिफिकेट फॉर माई सर्ट, ठीक है जी। अब ब्राउजर क्या करेगा, सारी चीज़ को एक जगह पर बंद करते हैं। ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर जाएगा माई सर्ट से कहेगा भाई आप अपना सर्टिफिकेट मुझे दें, पहले तो आप अपना सर्टिफिकेट मुझे दें, ठीक है। वो कहेगा ये पकड़ो जी, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट, ठीक है। ब्राउजर उसके ऊपर अप्लाई करेगा वेरीसाइन की पब्लिक की विच वी ट्रस्ट, वो बात हो रहा, ठीक है। जब ये इसको ओपन करेगा तो इसे क्या चीज़ मिलेगी कि माई सर्ट हैज़ दिस पब्लिक की, ठीक है। तो इससे हमें एक नया फैक्ट मिलेगा, वो क्या फैक्ट हमें मिलेगा कि PM इज ट्रस्टेड और PM जो है वो माई सर्ट की पब्लिक की है। हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये बात वेरीसाइन ने मुझे करके दी है कि PM जो है वो माई सर्ट की पब्लिक की है, ये ऊपर सर्टिफिकेट वेरीसाइन ने जो दिया था, ठीक है। वेरीसाइन ने मुझे कह दिया कि भाई ये माई सर्ट एक कंपनी है जिसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ कि ये इसकी पब्लिक की है, ठीक हो गया। अब मुझे पब्लिक की के ऊपर ट्रस्ट क्यों आ गया, क्योंकि मैं वेरीसाइन के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा,
कि वो जो सर्ट न्यूसेस ने मुझे दिया था अपना सर्टिफिकेट, उसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगा अब ये पी ऑफ एम, क्योंकि अब इस पी ऑफ एम के ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ। ठीक है जी, सो दिस इज नाउ ट्रस्टेड, पहले नहीं थी अब ट्रस्टेड है। क्यों? क्योंकि वेरीसाइन ने मुझे इसके ऊपर दस्तखत करके दिया होगा। ठीक हो गया। सो अब इसको ओपन करने से क्या बात निकल, नया फैक्ट हमें क्या मिलेगा कि nu.edu.pk has this public key p of n on ip this। क्यों? क्योंकि ये वाला सर्टिफिकेट ये रहा। ठीक है, इसको दोबारा देखें, ये रहा आपका सर्टिफिकेट जो कि न्यूसेस का सर्टिफिकेट था जिसको माय सर्ट ने साइन किया हुआ था। ठीक है जी, ये सारी चीज मैं भी एक दफा दोबारा बंद करके आपको बताता हूँ। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास क्या नई इन्फॉर्मेशन इसे मिली कि हमारे पास nu.edu.pk की ये पब्लिक की मौजूद है। जब p ऑफ n के ऊपर मेरा ट्रस्ट आ गया तो अब मैं अपनी कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। तो इसेंशियली हुआ क्या कि ये वाला जो सर्टिफिकेट था ये मुझे क्यों चाहिए था, ताकि इससे मैं निकाल सकूँ आपके पास आई पी पब्लिक की ऑफ p ऑफ n और उसका आई पी एड्रेस में निकाल सकूँ, ताकि मुझे पता चले कि मैं nu के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। जो डाटा मैं भेजूंगा वो सिर्फ nu ही ओपन कर सकता है, तो मुझे ये गारंटी चाहिए कि p ऑफ n जो है वो nu का ही है। ये बात मुझे किसने की? इस बात का सर्टिफिकेट मुझे दिया माई सर्ट ने। माई सर्ट ने कैसे दिया या मैं उसको कैसे ओपन करूंगा? उसकी पब्लिक की से। उसकी पब्लिक की के ऊपर मुझे एतबार क्यों है? क्योंकि उसकी पब्लिक की जो सबूत है, उसका जो सर्टिफिकेट है, वो मुझे वेरीसाइन ने दिया है। ठीक है जी। सो वेरीसाइन साइन करता है सर्टिफिकेट ऑफ माई सर्ट, जिसके अंदर लिखा होता है कि माई सर्ट की पब्लिक की ये है। फिर उस पब्लिक की से कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइवेट की या हिडन की से माई सर्ट जो है लोगों को सिग्नेचर्स करके देता है। तो सर्ट एनयू जो है, सर्ट न्यूसेस जो है, उसको मैं माई सर्ट की पब्लिक की से खोलूंगा। और माई सर्ट की पब्लिक की के ऊपर मेरा ट्रस्ट क्यों है? क्योंकि वेरीसाइन ने मुझे कहा कि ये पब्लिक की माई सर्ट की ही है। ठीक है, तो ये बनता है हमारे पास एक चेन। इसको कहा जाता है आपके पास सर्टिफिकेट चेन। मैंने आपको सर्टिफिकेट दिया, आपने तीसरी बंदे को सर्टिफिकेट दिया, उसने चौथे बंदे को सर्टिफिकेट दिया, और चौथे बंदे ने कहा कि ये बंदा सही है। ठीक है, और हम एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश करते हैं कि वेरीसाइन एमी शैमी लोगों को साइन नहीं करके देता। वेरीसाइन ने अगर माई सर्ट को अगर दिया है ना सर्टिफिकेट, इसका मतलब है कि माई सर्ट ऐसी लोगों को फजूल फजूल सर्टिफिकेट नहीं बांटता फिरता, वरना वेरीसाइन उसको साइन ना करके देती। ठीक है, इतना ट्रस्ट मुझे वेरीसाइन पे है। तो फिर माई सर्ट जो है उसके ऊपर मेरा ट्रस्ट इतना नहीं जितना वेरीसाइन के ऊपर है, लेकिन मैं कहता हूँ भाई वेरीसाइन ने वेरीफाई करके दिया तो माई सर्ट हो गया। अब माई सर्ट आगे जाके इसको फर्दर भी कर सकता है कि एक चीपो किस्म की सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है उसको दे देता है, और वो आगे फर्दर एक डर्ट चीप। तो जितने लेवल आप दूर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपके आपके पास जो ट्रस्ट है सर्टिफिकेट के ऊपर वो वीक होता जाएगा, बट स्टिल देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रस्ट। ठीक है, क्योंकि जितना आप नीचे जाते जाते हैं उतना ज़्यादा आपके पास सर्टिफिकेट्स चीप होते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वेरीसाइन इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, माई सर्ट इज स्लाइटली चीपर, मैं उसके जरिए से काम करता हूँ। ठीक है, इस बात में जो समझने वाली बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि आपके पास ये पी ऑफ एस जो है, ये क्वेश्चन जो है, हाउ डू यू वेरीफाई दैट पी ऑफ एस इज द पब्लिक की ऑफ gmail.com, ये आप कहां से वेरीफाई करेंगे? तो पी ऑफ एस जीमेल का ही है और इस आईपी के ऊपर है, ये आपको कोई सर्टिफिकेशन अथॉरिटी एक सर्टिफिकेट इशू करेगी, विच इज गोइंग टू बी अ डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? इट्स सिंपली एन इनक्रिप्शन यूजिंग अ हिडन की ऑफ सम पार्टी। उसको हम ओपन किस तरीके से करते हैं, वेरीफाई किस तरीके से करते हैं? उनकी पब्लिक की से। पब्लिक की हमारे ब्राउजर के पास पहले से क्यों पड़ी हुई है? जब ब्राउजर बनाया गया था वेरीसाइन की, उसके अंदर। ठीक हो गया, यहाँ तक बात जरूरी है। आगे चेन जो है वो समझ आता है, ठीक है, नहीं आता इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, इट शुडंट बी दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वो मसला और सवाल पूछ सकते हैं, ये मैं भी आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, उसके बाद ये लेक्चर खत्म करते हैं। इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसको प्रैक्टिकली जरा देख लें। सो यू गो टू recluse.net, ठीक है, यू कैन ट्राई टू डू दिस योरसेल्फ एज वेल। तो recluse.net के ऊपर अगर आप जाते हैं तो ये छोटा सा आपको एक लॉक सा नजर आता है जो कि SSL का होता है। तो ये जो प्रोटोकॉल मैंने भी आपको बताया, दिस इज एसेंशियली SSL का प्रोटोकॉल। आप क्या करते हैं, इस लॉक के ऊपर क्लिक करें तो ये कहते हैं कनेक्शन इज सिक्योर। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि आपके और recluse.net के दरमियान में जो कम्युनिकेशन है, आपके ब्राउजर और recluse.net के दरमियान में जो कम्युनिकेशन है, दैट इज सिक्योर। दरमियान में कोई थर्ड पार्टी उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, उसके अंदर थोड़ी तफसील है, उसके अंदर मैं नहीं जा रहा, लेकिन बहरहाल इफ यू क्लिक ऑन सर्टिफिकेट यू विल सी दिस चेन ओवर हियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जिसको मैंने वेरीसाइन कहा था, तो वेरीसाइन अकेला नहीं है। वेरीसाइन इज द मोस्ट फेमस वन, लेकिन वेरीसाइन अकेला नहीं है जिसके ऊपर लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं, और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है DST रूट, इसको कहा जाता है रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, जिसके ऊपर वाइड स्प्रेड ट्रस्ट है दुनिया में। तो वेरीसाइन एक है, DST दूसरा है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, वो यहाँ पे आपके पास आपको नजर आ रहा है। सो DST ने लेट्स इनक्रिप्ट अथॉरिटी, जिसको मैंने माई सर्ट कहा था, दैट इज लेट्स इनक्रिप्ट अथॉरिटी, इसको एक सर्टिफिकेट इशू किया है, और उसने फिर मुझे recluse.net को एक सर्टिफिकेट इशू किया है। इफ यू क्लिक ऑन डिटेल्स तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चूंकि मैंने US में रजिस्टर किया हुआ है तो दैट इज ओवर देयर।
ये इशूअर का नाम बता रहा है, मेरा अपना भी वहीं पे होगा वैसे बाय द वे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी तफसीलात बता रहा है, कुछ नाम आपको समझ भी आएंगे, SHA-256 है सिग्नेचर के लिए, हैश एक ज़माने में बताया था, याद है तो ठीक है, नहीं तो मसला नहीं है। RSA इसने इस्तेमाल किया है, ठीक है, पब्लिक की जो मेरी है दैट इज़ यूजिंग RSA। इसकी लेंथ आपको ये बता देगा कितनी इसकी लेंथ है, 2048 बिट्स की है, काफ़ी बड़ी सारी की है। प्लस इसको आप आगे जाके देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी तफसीलात हैं, कौन सा DNS है मेरा, ठीक है, लुकअप जब हम करते हैं तो वो कहाँ से पता चलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तफसीलात यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। अगर आप इसको जिसने साइन किया उसका सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं कि इसको किसने सर्टिफिकेट इशू करके दिया है, DST वालों ने इशू करके दिया है, और ये खुद इसका जो सर्टिफिकेट है ये अपने सर्टिफिकेट को खुद ही साइन करता है, ठीक है जी, क्योंकि इसके ऊपर हमें ट्रस्ट है, ठीक है जी। तो इसका जो इशूअर होता है वो ये खुद होता है, तो जो रूट लेवल पे CEO होता है उसके ऊपर इतना लोगों का ट्रस्ट है कि वो कहता है जी मैं यही हूँ, तो वो अपने आप को खुद भी साइन कर सकते हैं, इस बात को समझने को खास जरूरत नहीं है, ठीक हो गया जी। सो दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल सर्टिफिकेट्स, जो कि मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स आप इशू करते हैं, और दैट इज़ द आइडिया इज़ टू एस्टैब्लिश ट्रस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम वन रूट और अ स्मॉल नंबर ऑफ रूट CAs, ठीक है। तो वेरीसाइन एक है, DST दूसरा है, सॉट है आई थिंक वो भी इस्तेमाल होता है, इस तरीके से चंद गिनती के कुछ रूट CAs हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं, लेकिन लेट्स इनक्रिप्ट जो है दैट इज़ फेयरली चीप, ठीक है। तो दिस गोज़ फॉर लाइक $20 or $30, और वेरीसाइन जो है दैट इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, ठीक हो गया। सो ये बात जो है समझने की ज़रूरत है, हमें जो आगे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो इस बात की ज़रूरत पड़ेगी कि आपके पास जब पब्लिक की आपको दी जाएगी, ठीक है, तो आपने ये वेरीफाई करना है कि ये पब्लिक की इसी की है कि नहीं है, तो उसके ऊपर आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और वो सर्टिफिकेट इशू करने के लिए आपको कोई सर्टिफिकेशन अथॉरिटी चाहिए होगी, एक CA चाहिए होगा, इसको CA कहते हैं आमतौर पर, आपको एक CA चाहिए होगा जो कि जब भी आप पब्लिक की एक्सचेंज करेंगे तो आपको वो CA कहे कि हाँ ये पब्लिक की इसी की है। बस इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए आगे के प्रैक्टिकल के लिए।